नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी में। गाइज, मैं आज आपको ये डाउट्स क्लियर कराने वाला हूँ कि आप इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो गाइज, आप किस बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे पूछना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो हमें क्या लिखना चाहिए। गाइज, आपसे आप जो पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ। गाइज, मैं आज आपको ये जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ इनमें से कौन कौन सही है और सही है तो क्यों, मैं फुल डिटेल्स आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स बियॉन्ड दैट। देखिए गाइज, इसमें हम जब रोमन रोमन संख्या में कोई भी चीज़ लिखते हैं, तो गाइज एक बात कंफर्म करिएगा कि इनमें से, देखिए मैं ये बताने वाला हूँ कि इनमें से ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। सेकंड हम ऐसे नहीं लिख सकते, ना ही गाइज सेकंड हम इस तरह से लिख सकते। सेकंड हम जो लिख सकते हैं वो गाइज या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। गाइज, इस तरह से नहीं लिखा जा सकते हैं। आपने क्लास में, जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो क्लास के ऊपर भी आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मैंने कई बार ये देख चुका हूँ, ये इस तरह का सिंबल आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन गाइज, इस तरह से होता ही नहीं है, क्योंकि सोचना ये होता है, हमने लिखा सेकंड, ये लीजिए सर सेकंड लिखा। अब सेकंड इसमें देखो एनडी की साउंड आ रही है, तो आपने एनडी जोड़ दिया। लेकिन गाइज याद रखें, कभी भी रोमन जो न्यूमेरिकल्स लिखे आते हैं, संख्या लिखे आते हैं, उनके ऊपर कभी भी आप इस तरह के इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि गाइज आप देखिए, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है, हम कभी कभी क्या करते हैं जल्दबाजी में हम इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन गाइज वो 100% जो होता है वो सही नहीं होता है। वो जल्दी की वजह से इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन 100% सही जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो गाइज, इस तरह के बेसिक चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए एक चीज़ आप कंफर्म करिएगा कि ये जो लिखा जा रहा है इसका मतलब ही सेकंड है। सेकंड है ना ऑलरेडी। अब देखिए इसमें एंड एंड आ रही है, तो आप एक्स्ट्रा एंडी क्यों जोड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा आपको नहीं लगाना। तो गाइज इस तरह की, और देखिए इस चीज़ को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये जो लिख रहा है ये लिख रहा है दो, और इसको आप देखो एंडी जोड़ेंगे तो इसको कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना, अगर दो अगर हम इसे पढ़ेंगे तो। आगे हम इसे अगर दो को क्या बोल रहे हैं सेकंड, तो अब ये देखो दो लिख रहा है, अब इसको तो दो बोलते हैं ना, दो के साउंड में एनडी की साउंड तो आ नहीं रही है कि भाई देखिए एनडी की अगर साउंड आ रही है तो हम, अगर आ रही है तो हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इसमें दो आ रहा है। अब दो में अगर मुझे एनडी वाली साउंड लानी है तो मुझे इसको क्या पढ़ना पड़ेगा से, और इसको एनडी लिख रही है तो ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखिए एनडी आ गया, तो देखो गाइज ये ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, हमको डेफिनेटली इस तरह से हमको लिखना है। ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो होता है आप इसे थर्ड को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से कभी नहीं लिख सकते। ना ही गाइज ये नहीं कि थर्ड आप इसे इस तरह से लिख रहे हैं, ये सब टोटली गलत होता है, क्योंकि इसका मतलब ही ऑलरेडी जो होता है वो थर्ड ही होता है। तो गाइज इस तरह की जानकारी प्लीज आप हमेशा ध्यान रखें, आगे मिस्टेक ना करें। और गाइज देखिए, मैं आज एक पॉइंट और आपको ये क्लियर करा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आप जब भी कभी 21 से और 99 तक, यानी माफी चाहूंगा 21 से और 90 तक, जब भी कभी अंग्रेजी शब्दों में संख्या लिखते समय बीच में हाइफन का प्रयोग करना ना भूलिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 24 लिखा, तो मैं ऐसे कैसे लिखता हूँ 20 TWENTY, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ना 21 से लेकर के 90 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में मैं डेफिनेटली माफी चाह, और देखिए यहाँ पर जो भी डिजिट का होता है 89 बोल सकते हैं। देखिए जैसे 20 है और 30 है, 40 है, या फिर ये, अब इनमें तो आता ही नहीं है ना, तो इसकी तो बात ही हम छोड़ना होगा। लेकिन इनके जैसे मैंने लिखा है पर 91, तो हमको इस तरह से लिखना है। 92, तो हम इसे 99 तक हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस वाली डिजिट को जिसमें शून्य आता है एकाएक अंक, उसको आप छोड़ सकते हैं इस तरह से आप। अच्छा गाइज एक चीज़ और कंफर्म करें, कई बार पूछा गया है, बहुत से पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स की भाई ये बताओ 40 को कैसे लिखते हैं, तो हमने लिखा कि 4 FORTY, लेकिन गाइज ये गलत होता है, 40 इस तरह से नहीं, FORTY इसको हम रिप्रेजेंट लिखते हैं। तो गाइज इस तरह की जो जानकारी है वो बेसिकली अपने लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि मैं, अच्छा गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ कंफर्म करिएगा, एक डाउट ये भी है बच्चों को कि सर ये बताइए स्टडी और रीड में क्या अंतर होता है, क्योंकि जैसे स्टडी और रीड दोनों का मतलब जो होता है वो पढ़ना होता है, लेकिन गाइज मैं बताना चाहूँगा इन दोनों में ही डिफरेंट है, अंतर है। स्टडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब आप मन तन से पढ़ते हैं, आपका जब मोटिव होता है किसी चीज़ को पढ़ना है, याद करना है, एग्जाम के लिए अपने माइंड में बिठाना है, तो स्टडी होता है। रीड का होता है जस्ट लाइक दैट, आप यूं ही किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने कहा, अब एक बात बताइए, मैंने लिखा है न्यूज़पेपर,
तो गाइज न्यूज़पेपरों के आप इस तरह से पढ़ते हैं कि ये आपको याद करना है, नहीं आप उसे यूं ही पढ़ लेते हैं सिर्फ मोटी मोटी जानकारी के लिए। तो हम गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर है, तो हम इस जगह क्या लगा रहे हैं, रीड लगा रहे हैं। स्टडी तो नहीं लगा सकते ना, स्टडी तो तब लगाएंगे जब हमारा मोटिव होता है उसे याद करने का। लेकिन मैंने कहा स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश वो पढ़ रहा है किस लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, माइंड में उस चीज़ को बिठा रहा है। तो गाइज इस तरह के और भी मैं टॉपिक्स लाता रहूँगा, आपको ये मेहनत मेरी किस तरह कैसी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी तरह के डाउट है इंग्लिश में कोई भी रूल्स में, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।